देहरादून पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार, वॉलीबॉल ग्राउंड का किया उद्घाटन, जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल मैच। मदन कौशिक का फर्जी ट्वीट वायरल, ट्वीट में हार की जिम्मेदारी लेने की कही बात, मदन कौशिक ने बताया कांग्रेस की साजिश। बॉडी में एबीवीपी ने जबरन धर्मांतरण की घटना का किया विरोध, तमिलनाडु सरकार का दहन किया पुतला, युवती के लिए मांगा इंसाफ। दिनेशपुर में थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने की मीडिया कर्मियों संग बैठक, जनप्रतिनिधियों का किया धन्यवाद, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर जताई खुशी। नमस्कार, देवभूमि की खबरों के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर चमोली के साथ। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, अब बस परिणाम आने की देरी है, 10 मार्च को परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करना अभी से शुरू कर दिया है। वहीं जिसके बलबूते ये राष्ट्रीय पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, वही मतदाता इन पार्टियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना है लोगों का, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पांचवे विधानसभा चुनावों को लेकर 14 फरवरी को मतदान समाप्त हो गया है, वहीं 10 मार्च को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले ही राष्ट्रीय पार्टियां जीत के गुणा भाग में लग गई हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी तो कह रही है कि मोदी जी के कार्यों से खुश होकर जनता ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है। मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का मन पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में था, यही कारण है कि बीजेपी 2022 के चुनाव को भारी मतों से जीतने जा रही है। उत्तराखंड के लोग बिल्कुल राष्ट्रवाद पे चलते हैं और जो हमने देखा है अभी तक मोदी जी की लहर बन रहा है और तीनों सीटें यहाँ पर भाजपा जीतेगी और मेरा तो अपना मत ही है कि पिछली बार से ज़्यादा अंतर से जीतेगी, बाकी तो 10 तारीख को पता चलेगा। देखिए, जहाँ तक जिला चमोली के तीनों सीटों की बात है तो तीनों सीटों पर कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ आगे आ रही है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा गणित नहीं है। उसके पीछे अगर आप बद्रीनाथ से शुरू करते हैं तो बद्रीनाथ में जो राजेंद्र भंडारी जी हैं, इनके द्वारा जो काम किया गया है आज से 5 साल पहले, वो अभी भी अक्षुण हैं, वो भी आज के डेट में भी वो हर कोई उसके गुणगान करता है। जो वर्तमान में जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम से कोई ऐसा विकास कार्य नहीं है और ये लोग अगर वोट मांग रहे हैं तो केवल मोदी जी के नाम पर मांग रहे हैं, अपना इनका कोई विज़न नहीं है। और आम जनता आज त्रस्त है, महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, और जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं और आज के डेट में आप हम जहाँ जहाँ भी गए हैं कर्मचारियों का बहुत अच्छा रुझान है हमारा और गांव के लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। भंडारी जी ने जहाँ जहाँ गांव में रोड पहुँचाई है, जहाँ उच्चीकरण किया है, उन लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। तो बद्रीनाथ सीट से तो भंडारी जी बिल्कुल निसंकोच यहाँ से आगे निकल रहे हैं। दूसरे में अगर हम जाएंगे थराली सीट में आपने देखा होगा इससे पहले जो जो अभी निवर्तमान विधायक रहे हैं मुनि देवी शाह जी, ये एक प्रकार से जो है पैरासूट कैंडिडेट हैं। बीजेपी जहां 2022 को फतह करने का दावा कर रही है तो कांग्रेस इसको उनकी बौखलाहट बता रही है। कांग्रेस के जिला महामंत्री धीरेंद्र सिंह गडोरिया का कहना है कि बीजेपी के राज में बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, जिस कारण जनता पहले से ही बीजेपी के खिलाफ थी। मतदाताओं ने बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले हैं। इसका उदाहरण हमें 14 फरवरी को भी देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश यूथ अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने कहा है कि 10 मार्च को आने वाला परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होगा। देखिए, हम कहना चाहते हैं जनपद चमोली की तीनों ही सीट कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी जीत निश्चित है। हम पूर्ण रूप से अस्वस्थ है कि हम तीनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे।
चुनाव के नतीजों को लेकर जीत का दावा करने वाली बीजेपी और कांग्रेस को लेकर स्थानीय लोगों ने इन दोनों पार्टियों पर जनता को छलने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य स्थापना के 21 सालों बाद भी आज तक पहाड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाया। क्षेत्रीय पार्टियों ने आरोप लगाया भू कानून को या स्थायी राजनीति का मसला, इसको लेकर कोई भी पार्टी अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेकर आ पाई है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, जिस कारण लोगों ने इन दोनों पार्टियों के खिलाफ जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जो ये 2022 का था, बहुत ही अच्छा हम लोगों का कार्य रहा। और विगत 5 वर्षों से जिस तरह से हमारे विधायक जी ने जगह जगह गांव गांव को सड़कों से जोड़ा, महिला मंगल दलों को सामग्री प्रदान की, युवक मंगल दलों को सामग्रियां दी, हर जनता के साथ जुड़ करके और जनता के साथ पूरे विश्वास पर खड़े उतरे हैं। और हमने जिस तरह से देखा कि मोदी जी के द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, जनता को बहुत ज़्यादा खुशी है कि सरकार ने उनके लिए इतने अच्छे काम किए हैं और जनता का पूरा साथ पूरा सहयोग हमारी पार्टी को मिल रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल को हार्दिक धन्यवाद दूँगा। और आज जिस प्रकार से जनपद चमोली की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के आम नागरिक हैं, उन्होंने भरोसे पर वोट किया और विश्वास पर वोट किया। जो हमारे यहाँ के आम नागरिक हैं, चाहे हमारे यहाँ के किसी भी जाति के धर्म के लोग हों, उन्होंने इस समय राष्ट्रवाद पर और विश्वास पर वोट किया है। आप देख रहे होंगे कि चाहे हमारे यहाँ पर रेलवे का हो, चाहे ऑल वेदर रोड की हो, पिछली बार 2017 में जब हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जिला मुख्यालय से एक घोषणा की थी। इस समय जो केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की जो नीति है, महंगाई बेरोजगारी, उससे त्रस्त होकर के इस समय पूरी जनता ने मन बनाया है कि इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बननी है। और जहाँ तक चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो बद्रीनाथ विधानसभा, थराली विधानसभा और कर्णप्रयाग विधानसभा में पूरी बहुमत से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, मतलब विधायक जीत करके जाएंगे। चुनावों के नतीजे आने से पहले भले ही राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हों, लेकिन असल में हकीकत तो ये है कि चुनाव जीतने को लेकर जिन प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हों, वो भला कैसे जनता का विकास करेंगे। आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि आखिर होली आने से पहले कौन प्रत्याशी गुलाल उड़ाएगा और किसके घर पसरेगा सन्नाटा। ही उत्तराखंड का जो चुनाव है 14 फरवरी को संपन्न हो गया है, लेकिन जिस तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, जनपद चमोली की अगर बात करी जाए तो यहां पे दोनों पार्टियां जो हैं अपने दाव कर रहे हैं कि हम तीनों सीटें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तीनों विधानसभाओं में जो चाहे भाजपा की सरकार बने या न बने तो आने वाला 10 मार्च के बाद पता चलेगा, या कांग्रेस बने या न बने तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन जनपद चमोली की तीनों विधानसभाओं पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने दावे यहाँ पे कर रहे हैं कि हम तीनों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन ये 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। पुष्कर सिंह नेगी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, चमोली। दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष की तरफ से क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और संभ्रांत लोगों के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, जिसके लिए मैं आम जनमानस, जनप्रतिनिधि के साथ ही मीडिया कर्मियों को विशेष धन्यवाद करता हूँ। पहले तो मेरा सभी आम जनमानस और हमारे क्षेत्र के संभ्रांत जनप्रतिनिधि सभी लोगों को मेरा जो है शुक्रिया और धन्यवाद, विशेष तौर से हमारे प्रेस के मीडिया के बंधुओं को, कि जो अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में संपन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधारने में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं,
उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भय मुक्त नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण दें, इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। अंतर विरोध को लेकर विधायकों की खुली नाराजगी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से दर्शाया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसे कौशिक ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है। उनके निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर मामले में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। पार्टी ने फर्जी ट्वीट को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट में मदन कौशिक के इस्तीफे और हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मामले में उन्होंने संगठन को तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए। पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध जताते हुए पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की। तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका गया। AVVP के छात्रों ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना को की कड़े शब्दों में निंदा की और युवती के लिए इंसाफ मांगा है। एक महीने पहले करीबन एक मामला आया था जिसमें एक कॉन्वेंट स्कूल में एक छात्रा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था लगातार धर्म परिवर्तन करने का, जिसमें वो तंग आकर आखिरकार उस लड़की ने आत्महत्या कर दी है। और जब इस मामले की CBI जांच करने के आदेश दिए गए तो चेन्नई सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी याचिका दर्ज करी है, इसमें जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करता है। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका तमिलनाडु में विरोध किया तो हमारे 30 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जिसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस मामले और बहन लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। इसके आगे आपके क्या है? आगे आज यहाँ पर पुतला जलन किया था, किस संबंध इस संबंध में है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में इसका विरोध करता है, ऐसे धर्मांतरण की घटना का विरोध करता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने ITBP पहुंचकर विश्व स्तरीय वॉलीबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान ITBP जवानों के साथ सद्भावना मैच भी खेला है। फिल्म अभिनेता ने सैनिकों और अर्धसैनिकों की ओर से देश की रक्षा के लिए किए जा रहे कर्तव्यपूर्ण कार्यों की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने फिजिकल फिटनेस के बारे में भी विस्तार से बताया। बता दें कि अक्षय कुमार दून में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। ITBP के बुलावे पर सीमा द्वार स्थित ITBP परिसर पहुंचे, जहाँ मेंटोर हीमवीर वेलफेयर एसोसिएशन निधि श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अक्षय कुमार ने कैंप के खेल परिसर में वॉलीबॉल के विश्व स्तरीय मैदान का उद्घाटन किया और ITBP जवानों के साथ वॉलीबॉल मैच खेला। मंगलौर के नगला चीना गांव के तालाब में केमिकल युक्त पानी जाने से मछलियों की मौत हो गई। दरअसल नगला चीना गांव में स्थित तालाब के पास एक निजी कंपनी से केमिकल युक्त पानी निकलकर तालाब में जाता है, जिससे तालाब में मौजूद मछलियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों को अपने मवेशियों की जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि उस तालाब में ग्रामीणों के पशु भी पानी पीते हैं। वहीं कंपनी के मालिक मनोज कुमार ने बताया कि कंपनी से कोई भी पानी बाहर नहीं आ रहा है, अगर पानी कंपनी से बाहर आ रहा होगा तो बंद कर दिया जाएगा। ये एक तालाब हो हमारे गांव के जड़ में, कौन सा गांव? नगला चिन्ना जी। उसके पास में एक फैक्ट्री लगी हुई, उस फैक्ट्री में फैक्ट्री का पानी आया केमिकल का, और इसमें जो मछली पालन था वो मछली सारी मरने लग रही है। जो डंगर आकर डंगरों ने पी लिया, डंगर मरने, और इतनी बदबू हो रही है कि यहाँ बीमारी फैलने का अंदेशा हो रहा है। भी वहाँ पानी जा नहीं रहा, अगर जा रहा हम उसे बंद कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई पानी नहीं, साफ सुथरा नहाने धोने का पानी जा रहा। हमारी जिम्मेदारी अगर हमारा पानी आओ तो दोबारा शिकायत करियो, वहाँ खड़ा दिखाई होगी पानी इस लाइन में को जा रहा है, ठीक है जी। केदार घाटी के ग्राम जामू फाटा क्षेत्र के जमदग्नि आश्रम के रूप में विश्वविख्यात जमदग्नेश्वर मंदिर में 18 फरवरी से 1 मार्च तक रुद्र महायज्ञ और रामकथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ के आयोजक ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज ने बताया कि पौराणिक सनातनी संस्कृति की विरासत को अक्षुण रखते हुए वैदिक परंपरानुसार विश्व कल्याण और शांति के लिए शास्त्रीय विधानानुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। भगवान केदारनाथ के इस पुण्य क्षेत्र में भगवान जमदग्नि आश्रम में
हमारे पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी द्वारा यहाँ पर रुद्र महायज्ञ और राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ज्ञान की गंगा, आध्यात्म की गंगा बहेगी, पूरे क्षेत्र के लिए फलदायी होगी। जमदग्नेश्वर मंदिर में 18 फरवरी से 1 मार्च तक रुद्र महायज्ञ और रामकथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहां की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही हैं। केदारनाथ से सीधे आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां महायज्ञ के आयोजक ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज ने बताया है कि पौराणिक सनातनी संस्कृति की विरासत को अक्षुण रखते हुए वैदिक परंपरानुसार विश्व कल्याण और शांति के लिए शास्त्रीय विधानानुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। SDRF वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट से आरक्षी राजेंद्र नाथ को अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, उसको फतह करने के लिए सेनानायक SDRF मणिकांत मिश्रा की तरफ से पुलिस प्रतीक चिन्ह देकर रवाना किया गया है। बता दें कि आरक्षी राजेंद्र नाथ की तरफ से पहले भी कई कीर्तिमान हासिल किए गए हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, सबसे ऊंची चोटी फतेह करने के लिए तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि तंजानिया में स्थित है ये सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 किलोमीटर है, उसको फतेह करने के लिए सेनानायक SDRF मणिकांत मिश्रा की तरफ से पुलिस प्रतीक चिन्ह देकर उनको रवाना किया गया है। बता दें कि आरक्षी राजेंद्र नाथ की तरफ से पहले भी कई कीर्तिमान हासिल किए जा चुके हैं। वहीं नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट में 21 फरवरी से सामान्य ढंग से सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस दौरान भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा, इसकी जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दी है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सोमवार से हाईकोर्ट में सामान्य दिनों की तरह सभी मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा है। बताया गया है कि कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं रुड़की में एक बार फिर तेंदुए का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेंदुए ने एक बाइक सवार युवक को अपना निवाला बना लिया। बाइक सवार युवक देर रात शादी से घर लौट रहा था, तभी युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 11 बजे यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय दो लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली हैं, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि हम वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा भी कि छोटा गुलदार है या बड़ा है, उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। तो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था, ऑफिस आते हुए तो देखा कि लगभग यहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया। तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है और दूसरा कोई मामला है, तो पुलिस और विभाग दोनों उसकी जांच करें, जांच होगी, इस जांच का जो है पता लगेगा कि वास्तविकता हुआ क्या है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय विद्यालय सुनील जोशी मठ की 55 छात्राओं को आत्मरक्षा और एडवेंचर टूरिज्म के तहत माउंटेनियरिंग, रैम्पलिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं को ITBP की कार्यकुशलता, सीमा पर गतिविधियों सहित हिमवीरों की जिम्मेदारी आदि की जानकारियां देने के साथ फोर्स की ताकत, हथियार और गोला बारूद आदि के बारे में भी बताया गया। इसी के साथ नियमित स्वास्थ्य रहने के लिए योगाभ्यास भी कराया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, चमोली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है छात्राओं को। दर्शकों, नैनीताल के सभी सफाई कर्मचारियों ने अपने कार्यों का बहिष्कार कर
नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा का घेराव किया है। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की तरफ से सफाई कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, एरियर का भुगतान न होने पर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों पर्यावरण मित्रों ने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान अध्यक्ष नेगी ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वो जल्द ही शासन से बात करेंगे। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनका कहना था कि वो रुद्रपुर से 5000 वोटों से जीत रहे हैं और जो भी कार्यकर्ता कहेंगे उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। रुद्रपुर विधानसभा का चहुमुखी विकास करेंगे, जो भी अधूरा काम पड़ा है उसे पूरा करवाएंगे। अथाह मेहनत करके इस लोकतंत्र के पर्व में मुझे विधानसभा में पहुंचाने के लिए अथाह मेहनत की है, सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ सभी ने एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया है। और 10 मार्च को अगर सीटी बच जाएगी आम जनमानस के आशीर्वाद से मैं विधायक बन जाऊंगा तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो मेरे पुलिसकर्मी जिनका मामला मैंने 2 बार विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री के सामने उठाया, डीजीपी के सामने उठाया, गृह सचिव के सामने उठाया, 4600 ग्रेड पे का मामला, उसका समाधान धामी सरकार ने नहीं किया। लेकिन मैं आज अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ 10 मार्च को विधायक बनने के बाद मेरा पहला काम 4600 ग्रेड पे का समाधान करवाना है। सरकार किसी की बने, राजकुमार ठुकराल किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज गुलाम नहीं है। ऋषिकेश के मुनि की रेती थाना के ढालवाला में गत्ता फैक्ट्री के कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए हड़ताल कर दी है। फैक्ट्री के गेट पर मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान मशीन की चपेट में आकर घायल हुए एक ऑपरेटर के इलाज का मालिक खर्चा देने से इनकार कर रहा है। घायल ऑपरेटर एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हड़ताल और हंगामे की सूचना मिलते ही मुनि की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह पुलिस टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचे। कर्मचारियों को समझा बुझा कर धरना खत्म करने के लिए भी कहा लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। हंगामे और धरने के बीच तहसील प्रशासन और मालिक भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच मांगों को लेकर समझौता होने के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। सर वो मेरा दोस्त था, काफी खास था मेरा। अच्छा, तो सर मैं यही चाहता हूँ उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अभी जो काम करते हैं उसे चोट कैसे लगी? सर वो मशीन चलाता था, ऑपरेटिंग करता था। अच्छा, मशीन ऑन होगी किसी वजह से, कोई कर रहा होगा काम, ऑन होगी उसका सर दबा और हाथ दबा और उसको ये सरकारी हॉस्पिटल में लेगा। ये थी बहुत सरल मांगी थी, मैंने सब एक्सेप्ट कर ली है और वही थी जो हम पहले से तैयार थे उनको करने के लिए। तो मेरे को बल्कि आपको भी समय कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वहीं जाना है। अभी सीटी स्कैन हो गया उसका और एमआरआई भी होने में कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे इसलिए अभी वहीं पर जाके उसका एमआरआई करवाना किसी भी तरह लड़के का। कारण उसके मांगों को पूरा किया गया, वो जो मांग है उसमें 10 बिंदु में है ना, उसको पूरा करने के लिए इच्छुक है वो। अच्छा, इनका कहना था कि मालिक आएंगे तब मानी जाएगी, मालिक आ गए? मालिक आ गए। अच्छा, एग्री करा वो वेतन देने के लिए भी सब चीज के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।